नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। अभी हम लोजपा कार्यालय के पास है और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि आज रामविलास पासवान की जयंती है और आज दो दो कार्यक्रम लोजपा की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें कि लोजपा में टूट के बाद एक तरफ एक गुट में चिराग पासवान बढ़ चुके हैं तो एक गुट में पशुपति पारस कुमार हैं। पशुपति पारस कुमार आज लोजपा कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजित किए हैं। आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से लोगों का जो है यहाँ पे हुजूम जो है वो इकट्ठा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत समारोह किया गया है रामविलास पासवान के जयंती पर। तो यहाँ पे जो हजारों की संख्या में जो आपको ये जो लोग दिखाई दे रहे होंगे वो पशुपति पारस कुमार के गुट के लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद है। भाई साहब कहाँ से आए हैं? भागलपुर से। भागलपुर से जी। क्या कहकर बुलाया गया है आप लोग को? हम लोग बुलाया है कि परम पूजनीय रामविलास पासवान जी के जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ आए हुए हैं। पारस बाबू हम लोग के सर्वमान्य नेता हैं और हम लोग पारस बाबू के नेतृत्व में शुरू से जो है पार्टी मजबूत पारस बाबू की हैं, इसलिए हम लोग जब तक हैं पारस बाबू तब तक हम लोग पारस बाबू के साथ हैं। जी, क्या कहेंगे सर? वो शब्द में क्या कहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल ये बात सत्य है। और जब से लोजपा में ये लोजपा के कहे जाने वाले रणनीतिकार सौरभ पांडे जी आए, तब से ही उन्होंने लोजपा की बर्बादी के पटकथा को लिखना शुरू किया। और साहब ने पार्टी को बचाने का काम किया है। हम लोग उनके नेतृत्व में खुश हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। तो जैसा कि आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, इस तस्वीर से साफ पता चल गया होगा कि यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, वो सब के सब पशुपति पारस कुमार के गुट के हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है संक्रमण का प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा रहा है, यानी कि मास्क सैनिटाइजर, जो लोग मास्क पहन करके नहीं आए हैं उन लोगों को भी मास्क दिया जा रहा है और अंदर में एंट्री की जा रही है। तो हम अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का जो है वो तैयारी जो है वो चल रहा है। यानी कि लोजपा कार्यालय जो बहुत दिन से खाली पड़ा हुआ था, सुनसान था, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति नहीं दिखाई देते थे जब से लोजपा में टूट हुई थी, अब उसके बाद से यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ लोगों का जो भीड़ है वो यहाँ इकट्ठा हो चुका है और यहाँ पे कार्यक्रम का जो है आयोजित किया गया है। बहुत सम्मेलन यहाँ पे चल रहा है। तमाम जो लोजपा के जो सांसद हैं, यानी कि जो पशुपति पारस गुट के जो सांसद हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि प्रिंस राज जो चिराग पासवान के भाई हैं वो मौजूद नहीं हैं, लेकिन बाकी जो भी सांसद हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो ये यहाँ पे तैयारी की जा रही है, इस तरह से जो है रामविलास पासवान की तस्वीर लगाई गई है और फूलों से इसको सजाया गया है। यहाँ पे कुछ ही देर में जो है माल्यार्पण भी करेंगे और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो लोजपा के सांसद थे महमूद अली कैसर से हम लोग बात करने की भी जब कोशिश की तो उन्होंने उनका साफ तौर से कहना है कि आज हम उनको रामविलास पासवान को बहुत याद कर रहे हैं, आज वो रहते तो इसका जो है रौनक ही कुछ और होता। तो ये हुजूम जो है पार्टी कार्यालय के अंदर की है। और भी हम तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहाँ बड़े बड़े जो सांसद आए हुए हैं, जो नेता आए हुए हैं वो यहाँ पे एक तरफ मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ लोग जो हैं इस भोज में सम्मिलित हुए हैं। तो यहाँ तो अच्छा सॉरी दिखा दीजिए, तो जो सांसद है जो वो यहाँ पे मौजूद हैं तो देख सकते होंगे कि पशुपति पारस कुमार खुद हैं, उसके बाद में महबूब अली कैसर हैं, चंदन सिंह हैं, तो और भी जो लोजपा के सांसद हैं वो यहाँ मौजूद हैं। बात करने की भी कोशिश करेंगे कि अगर बात करें तो ये तस्वीर लोजपा कार्यालय की है जो दो गुट में बढ़ जाने के बहुत दिन के बाद की ये तस्वीर हम आपको दिखाएं। और भी हम तस्वीर हम आपसे तस्वीरों के साथ हम आपको रूबरू कराते रहेंगे और आगे की बात जो है और भी बताते रहेंगे। इस पर बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।